हेलो डिफर फैमिली। तो प्रीवियस वीडियो में तो आपने स्माइली स्माइल ओवरलोड ही कर दिया है। डोंट वरी, वीडियो बन रही है, आ जाएगी। और मैं आपसे एक बात भी शेयर करना चाहती हूँ। लाइक कमेंट्स में कुछ फनी इंसिडेंट भी हो जाते हैं, तो आप चाहते हो मैं उस पर भी एक फनी वीडियो बनाया करूँ लाइक 2 वीक्स में एक बार? अगर चाहते हो तो प्लीज बताओ। तो सीफेंग को भी अपना पिछला जन्म यानी कि पहला जन्म दिखता है। तो युनजी ने उस लड़के का सारा महल जला दिया होता है और उसके सारे परिवार वालों को मार दिया होता है। ये सब युनजी ने प्लान करा था, ये सीफेंग को भी समझ आ जाता है। फिर युनजी बोलते कि मेरे फादर ने सही का साथ दिया था, बट इन सभी ने मिलकर मेरे पूरे परिवार को मार दिया, तो मैंने भी आज अपना बदला पूरा कर लिया है। मौत से बिल्कुल भी नहीं डरती। बट सीफेंग युनजी को बोलता है तू यहाँ से दूर चली जा, क्योंकि तेरे को भी अपने पेरेंट्स को भी ढूंढना है। फिर युनजी अपनी फिंगर पर कट लगाकर सीफेंग के आंखों के नीचे खून से एक मोल बना देती है। एक्चुअली वो ऐसा इसलिए करती है ताकि वो सीफेंग को नेक्स्ट जन्म में याद रखे। फिर सीफेंग युनजी को भगाकर सारा ब्लेम खुद पर ले लेता है। सीफेंग युनजी के लिए जान से मर रहा होता है, बट युनजी उसको देखकर चली जाती है, लाइक रोती भी नहीं है। ये देखकर सीफेंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं और फर्स्ट जन्म में वो ऐसे मर जाता है। अपना पहला जन्म देखकर सीफेंग शॉक हो जाता है। इतने में सीफेंग का दूसरा जन्म चलता है। इसमें युनजी किंग को मार देती है रिवेंज की वजह से। सीफेंग युनजी के पास जाके ये बोलता है कि आपको वो सब कुछ मिलेगा जो आपको चाहिए, इस चीज का मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। कहकर सीफेंग युनजी को नेक्स्ट क्वीन घोषित कर देता है और उसकी बात सभी मानते हैं। क्वीन बनकर युनजी सीफेंग पे बाद में यकीन नहीं करती, लाइक हद है पागल। बट सीफेंग उसको समझाता भी है, बट युनजी सीफेंग को जहर देकर उसको पीने के लिए बोलती है। बट सीफेंग एकदम से क्वीन को अपने पास यानी कि युनजी को अपने पास खींचकर क्लोज करके उसकी आंखों में प्यार से देखने लग जाता है। उसके दिल में फीलिंग्स है भी है कि नहीं, बट युनजी सीफेंग को धक्का दे देती है और सीफेंग वो जहर का गिलास एक ही बारी में पी जाता है। फिर युनजी फिर वही सेम थिंग करती है, सीफेंग के खून से उसकी आंखों के नीचे फिर वो मोल बना देती है। फिर सीफेंग अपने दूसरे जन्म में भी युनजी के लिए मर जाता है। फिर सीफेंग का थर्ड जन्म आता है, जिसमें सीफेंग डॉक्टर होता है और वो अपनी आईज युनजी को डोनेट कर देता है कि तू अपनी लाइफ अच्छे से जीना और आज के बाद हम अब कभी नहीं मिलेंगे। तीसरे जन्म में भी सीफेंग युनजी से अलग हो जाता है। सीफेंग के चौथे जन्म में वो दोनों वॉरियर्स की तरह एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं और जो बचेगा वही सरवाइव कर सकता है। युनजी तो सीफेंग को स्टैप कर देती है, बट सीफेंग ने तलवार का हैंडल यूज करा होता है, लाइक उसने युनजी को हार्म नहीं किया होता। ये देखकर युनजी फिर वो सेम करती है, सीफेंग के खून से उसके आंखों के नीचे एक मोल बना देती है। इस तरह सीफेंग फोर्थ जन्म में भी युनजी के लिए मर जाता है। पांचवें जन्म में सीफेंग युनजी को बैड एनर्जी से बचाता है, लाइक वो युनजी को बचाने के लिए अपनी जान की परवाह ना करते हुए अपनी सारी एनर्जी यूज कर देता है, जिससे युनजी तो फ्री हो जाती है बट सीफेंग मरने की स्टेज पर पहुंच जाता है। युनजी बोलती भी है कि तूने ऐसा क्यों किया, मैं अच्छी इंसान भी नहीं हूँ। बट सीफेंग बोलते है कि तुम अच्छे से जियो और इस जन्म में तुम्हारी ऐसी हेल्प कर सकता हूँ, और अगर अभी तुम्हें मैं याद नहीं हूँ तो डोंट वरी, मैं हमेशा तुम्हारा वेट करूंगा। इतना कहकर सीफेंग मर जाता है और युनजी को कुछ नहीं फील होता और वहां से चली जाती है। यहाँ पे तो साला मेरा ही बोलने का मन कर गया कि माना तो इमोशनलेस है कि बंदे ने तेरे लिए जान दी है, एटलीस्ट इंसानियत तो दिखा। सिक्स्थ जन्म में युनजी सीफेंग को स्टैप करती है, लाइक सीफेंग उसमें प्रिंस होता है और युनजी को ऐसा गलत फहमी हो जाती है कि उसकी फैमिली को सीफेंग ने मारा होता है। और सेवन जन्म में भी युनजी सीफेंग को मार देती है इस गलत फहमी में कि सीफेंग उसके सेक्रेटरी लीडर की पोस्ट हथियाना चाहता है, बट सीफेंग उसको क्लियर करता है कि मैंने कभी ऐसा सोचा ही नहीं। युनजी फिर सीफेंग की आंखों के नीचे वो ब्लड का मोल बना देती है ताकि उसको नेक्स्ट लाइफ में याद रखे। एट्थ लाइफ में भी सीफेंग युनजी को बचाने के लिए अपनी लाइफ का सेक्रीफाइस कर देता है। नाइन्थ जन्म में सीफेंग अच्छी साइड होता है और युनजी बुरी साइड होती है। फिर सीफेंग युनजी को बचाने के लिए उसके हाथों को पकड़कर खुद को स्टैब कर लेता है, बट युनजी पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। बट सीफेंग बोलता है कि तू मेरे को याद नहीं रख सकती, कोई बात नहीं, मैं तेरे लिए वेट करूंगा, मैं तेरे को ढूंढ लूंगा। ये सुनकर फर्स्ट टाइम युनजी की आंखों में आंसू आए थे, लाइक वो इतने जन्मों में इस बार सीफेंग के लिए रोई थी। और वो फिर सीफेंग की आंखों में वो ब्लड मोल लगा देती है। यहाँ पर तो साला मेरे को और गुस्सा आ गया कि युनजी तो हर जन्म में उसको तेल लगाती थी, बट तू कभी उसको याद नहीं रखती थी, हद है मतलब। बट युनजी सीफेंग को इतना बोलती है कि तेरे को गिव अप कर लेना चाहिए और अपनी फीलिंग कंट्रोल करके वहां से चली जाती है। अपने 9 जन्म देखकर और अपनी किस्मत और अपने खुद के एफर्ट्स देखकर सीफेंग को रोना आ जाता है और उसके दिल में एक डर बैठ जाता है कि 10th ही लाइफ उसकी ऐसी तो नहीं होगी, लाइक 10वां जन्म भी उसका ऐसे तो नहीं होगा। और सीफेंग की आंखों का वो दिल रेड शाइन करने लग जाता है। यहाँ युनजी मिरर में आगे चली जाती है अपनी नेक्स्ट मेमोरीज देखने के लिए और वो देखती है उसको हेवंस ने पकड़ा हुआ है। बट युनजी बोलती है कि मुझे सजा किस बात की मिल रही है, मेरी गलती क्या है और मैं हेवन को बर्बाद कर दूंगी। इतने में युनजी पर हेवन लाइट की स्ट्राइक पड़ती है और युनजी मिरर के अंदर ही बहुत जोर से शाउट करती है।
जिससे वो मिरर की शाइन से निकलकर अलग हो जाती है और गॉड ऑफ वार उसके अंदर का जगने लग जाता है और उसे एक और मेमोरी दिखती है। हेवन में कोई उसकी बात नहीं सुन रहा होता और सुनहरे पंखों वाला कोई आकर युंजी को बचाता है, बट युंजी उसका फेस ही नहीं देख पाती। इतनी मेमोरी के बाद गॉड ऑफ वार की पावर जगने लग जाती है और युंजी का कवच उसके पास चला जाता है। पर जब लॉर्ड फ्लाइंग स्नेक ये देखता है गॉड ऑफ वार का कवच गुम हो गया है तो उसको यकीन हो जाता है कि गॉड ऑफ वार जगने वाला है। लिटिल सिक्स ट्रैप खोलने की कोशिश कर रहा होता है और उसे पता लग जाता है कि ब्लड की वजह से ये ट्रैप कमजोर हो गया है, तो वो सभी को ब्लड स्पेल यूज करने के लिए बोलता है और लुई भी ना चाहते हुए उनके साथ ब्लड स्पेल यूज करता है और सभी आजाद हो जाते हैं और सभी भागते हुए जीफेंग और युंजी को रेस्क्यू करने आते हैं। बट युंजी को ऐसे देखकर लुई बोलते है ये तो सच्ची में गॉड ऑफ वार है और सभी को बताते हैं और सब हैरान। अब गॉड ऑफ वार जग रहा था तो स्वर्ग से बिजलियां चमकने लग जाती है और हाओ चैन उन बिजलियों का पीछा करते हुए युंजी को ढूंढने निकल जाते हैं। पर्पल फॉक्स और जीफेंग की जान बचाने के लिए अपनी पावर से युंजी को रोकने लग जाता और सिमिंग भी अपनी जान पे खेलकर गॉड ऑफ वार की लाइफ पिलर से उसकी मेमोरी को जाने से रोक रहा था, जिस पर युंजी के अंदर का गॉड ऑफ वार गुस्से से जग जाता है कि कौन मुझे रोकने की कोशिश कर रहा है जगने से। और गॉड ऑफ वार अपनी एनर्जी पूरी करने के लिए वहां सभी की लाइफ एनर्जी कंज्यूम करने लग जाता है। बट जब लुई देखते हैं कि इस हिसाब से तो सभी मर जाएंगे, तो लुई अपनी थर्ड आई ओपन कर उस जादुई शीशे को ही तोड़ देता है और सभी की लाइफ बच जाती है। बट लुई को अपनी बेटी यूर की टेंशन होने लग जाती है क्योंकि गॉड ऑफ वार तो जगह नहीं होता। लॉर्ड फ्लाइंग स्नेक कंपास की हेल्प से गॉड ऑफ वार की डायरेक्शन पता करने लग जाते हैं, बट इतने में ड्रैगन स्नेक आकर लॉर्ड स्नेक को पकड़ लेते हैं और उसको बोलते हैं तू मेरी कंपास लेके कहाँ जा रहा है। लॉर्ड स्नेक चिल्लाते बोलते हैं कि पहले तो गॉड ऑफ वार की तलवार और अब उसका कवच दोनों ही गुम हो गया और मेरे को उसको ढूंढने जाना है, तो मेरे को छोड़। पर ड्रैगन स्नेक बोलता है कि कवर तो यहाँ पर है। एक्चुअली गॉड ऑफ वार जगह नहीं होता तभी ये कवच वापस आ जाता है। लॉर्ड स्नेक बोलता है तू मानिए मत मान, ये कवच अभी यहाँ पर नहीं था और गॉड ऑफ वार जगने वाला है, कोई छोटी बात नहीं है, मैं उसको ढूंढने जा रहा हूँ और तू मेरे को नहीं रोक सकता। पर ड्रैगन स्नेक लॉर्ड स्नेक को खींचता हुआ ले जाता है। ये सीन फनी है। और मच्छर डिमोन किंग को बताता है कि गॉड ऑफ वार अभी जग नहीं पाया। किंग बोलता है कि लुई को मेरा मैसेज भिजवा। युंजी को होश आता है और उसको पता लगता है कि उसकी सिक्स्थ सेंस वापस आ गई है। सिक्स रोयू बहुत एक्साइटेड होते हैं कि युंजी तो गॉड ऑफ वार है, तेरे को कैसा फील हुआ। बट युंजी गुस्से से बोलती है कि मैं हेवन से नफरत करती हूँ और मेरे को मेरा पास्ट बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे आप लोग पसंद हो, मैं यहाँ पे खुश हूँ। और लुई रूडली युंजी को बोलता है कि मैं तेरे को और लिटिल फिनिक्स जीफेंग को मिलाना चाहता था, बट अब मैं ऐसा नहीं करूंगा, तेरे पिछले 9 जन्म जीफेंग के साथ है और हमेशा वो तेरी वजह से मरा था। ये सुनकर युंजी को बहुत बुरा फील होता है, इवन उसके हार्ट में दर्द होने लग जाती है। युंजी लुई को बोलती है कि मैंने मिरर में जस्ट अपनी गॉड ऑफ वार की मेमोरी देखी है, उसके अलावा मैंने कुछ नहीं देखा। लुई युंजी को बोलता है कि तो अब तो जीफेंग को तो भूल जा, वो यहां से जा रहा है। युंजी पूछती है कि कहां जा रहा है और ब्रदर लुई एकदम बच्चों की तरह बताने से मना कर देते हैं कि नहीं मैं नहीं बताने वाला। युंजी एकदम भागते हुए लाइक पागलों की तरह भागते हुए जीफेंग को ढूंढने निकल जाती है। फाइनली जीफेंग को ढूंढ लेती है और जाके डायरेक्ट जीफेंग को एकदम से हग कर देती है। बोलती है कि मेरे को मेरी सिक्स सेंस वापस मिल गई है, माना मैं बेवकूफ हूँ, मैं पागल हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आता, पर तू तो मुझे प्यार करना सिखा रहा था ना, मुझे नहीं पता कि तेरे साथ मेरे 9 जन्म कैसे रहे, तो सिर्फ अब का पता है कि मैं तुझे बहुत पसंद करती हूँ और मैं हमेशा तेरे साथ रहना चाहती हूँ। बट जीफेंग युंजी का हाथ छुड़वा कर जाने लगता है। युंजी जीफेंग को रोक कर सडनली उसे मिशू कर देती है और जीफेंग टोटली शॉक भी युंजी के कुछ बोलने से पहले उसे सडनली मिशू कर देता है। और युंजी रोते ही पूछती है अब तो मेरे को छोड़कर तो नहीं जा रहा, और जीफेंग हंसते बोलते है कि किसने बोला तेरे को कि मैं जा रहा हूँ, मैं तो यहाँ पे लोटस सीड लेने आया था। अब तेरे को पछतावा हो रहा है, तू अपने शब्दों से पीछे नहीं हट सकती क्योंकि तूने जो भी बोला है ना यहाँ सभी ने सुना है और ये सभी मेरी गवाही देने आ जाएंगे। और युंजी रोते तू बहुत शैतान हो गया है। और जीफेंग युंजी को बोलता है कि मैं तेरे को प्यार करना सिखा रहा हूँ, तो मैं तेरे को छोड़कर कहाँ जा सकता हूँ, और पास्ट में जो कुछ हुआ मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, मैं प्रेजेंट में तेरे साथ खुश हूँ। वहाँ पर देखो कितना अच्छा मैसेज दिया गया है कि पास्ट में जाके हम अपने पास्ट को कभी चेंज नहीं कर सकते, बट अपने प्रेजेंट में खुश रह के हम अपने फ्यूचर को अच्छा कर सकते हैं। और यार सही भी है, मैक्सिमम लोग पास्ट का सोचकर प्रेजेंट का भी टाइम खराब करते हैं, मतलब हद है। फिर जीफेंग युंजी को हग करके उसको गोद में उठा के जाने लग जाता है। ये सब देखकर सिल्वर स्नेक को गुस्सा आ जाता है और जीफेंग और युंजी को साथ में देखकर सब हैरान हो जाते हैं। लिटिल सिक्स रोयू किस्मत के टॉपिक को लेकर बात कर रहे होते हैं और रोयू अपनी सिस्टर के बारे में भी बताता है, बट रोयू सिल्वर स्नेक को गुस्से में कहीं जाता हुआ देखता है और उसके पीछे चला जाता है। स्नेक अपनी स्नेक फॉर्म में डब्बे के अंदर छुपी होती है। रोयू पूछता है कि अब क्या हो गया, यहाँ क्या कर रही है। सिल्वर स्नेक बोलती है तो 500 सालों के लिए छुपना चाहती हूँ, मेरी मास्टर मेरे को ना देखना चाहते हैं ना मेरी बात सुनते हैं, ना कुछ होने के बाद भी फिर से उस युंजी के पास चले गए हैं, बेवकूफ कहीं के। रोयू हंसते हुए बोलते हैं कि बेवकूफ तो तू भी कम नहीं है। फिंग और युंजी बाहर घूम रहे होते हैं और उन्हें क्ले स्टैचू फेस्टिवल का पता लगता है। एक क्ले स्टैचू को लेकर कपल विश करते हैं और युंजी एक स्टैचू जीफेंग के लिए मंगवा लेती है एज अ गिफ्ट।
फिर यूंजी जीफेन को बोलती कि मैं भी तेरे को गिफ्ट दे रही हूँ, तो मेरे को भी तेरे से गिफ्ट चाहिए, तो मेरे को अपनी मम्मी की वो हेयर पिन दे दे। जीफेन यूंजी के बालों में वो हेयर पिन लगाते हुए बोलता है कि अब से तू मेरी हुई, लाइक अब से पछताई हो मत, अब मैं तेरे पल्ले पड़ गया हूँ। फिर दोनों क्ले स्टैचूज को रखकर विश मांगते हैं। लुई जीफेन के पास आता है और बोलता है, अच्छा दसवें जन्म में भी यूंजी के साथ रहने का फैसला कर रहा है। मेरे पास तीसरी आंखें पर फिर भी मैं तुम दोनों का अभी तक फ्यूचर नहीं देख पा रहा हूँ। जिसे तू प्यार करता है वो कोई आम लड़की नहीं, गॉड ऑफ वार है, लिए आगे के लिए अलर्ट रहे। मरमैन टिंगनू की वजह से पता लगता है कि पर्पल फॉक्स अभी भी जादुई शीशे में है। फॉक्स को वापस लाने के लिए जीफेंग और यूंजी वापस मिरर में जाते हैं और देखते हैं वूजी क्यों, यानी कि स्टूपिड मंकी को कोई वन वॉर में इनवाइट कर रहा होता है। एज अ ऑडियंस हमें तो समझ आ जाता है वो वाइस लॉर्ड है, बट यूंजी और जीफेंग उसका फेस नहीं देख पाते। पर उसके जाने के बाद पर्पल फॉक्स स्टूपिड मंकी को समझाती कि उसके बाद तो मैं लगकर युद्ध पर मत जाना। स्टूपिड मंकी पर्पल फॉक्स को जानबूझकर बेइज्जत करके उसको वहां से भेज देता है और टेंशन फ्री होकर हेवन की लड़ाई में चला जाता है। टाइम के बाद पर्पल फॉक्स कभी भी उस स्टूपिड मंकी से नहीं मिल पाती, ये वो जादुई शीशे के अंदर इस टाइम को अपनी सोल पावर से चेंज कर फ्यूचर चेंज करना चाहती थी। बट ऐसा कर फ्यूचर तो चेंज नहीं हो रहा था, बट पर्पल फॉक्स मरने वाली थी। बट यूंजी उसको समझाती और इस प्रॉमिस पे बाहर लेकर आती कि वो भी वूजी क्यू को ढूंढने में उसकी हेल्प करेगी। फिर फॉक्स मरमैन से माउंट बुजाओ का एड्रेस पूछती है और मरमैन बताता है, और टिंगनू बताता है कि माउंट बुजाओ धरती पर नहीं है बट उसका रास्ता एक पहाड़ पर से होके जाता है और उस गेट से ऐसे ही नहीं जा सकते, मैं कुछ इंग्रेडिएंट्स तैयार कर रहा हूं, तो वेट करो। और जीफेंग एक दूसरे का हाथ पकड़ कर घूम रहे थे और लुई का रिएक्शन, बड़े आए लवर्स कहेंगे, भागो यहां से। दोनों को साथ लेकर सिल्वर स्नेक को फिर गुस्सा चढ़ जाता है। मॉन डिमोन किंग का मैसेज लुई के लिए लाया होता है कि भूल मत तेरी बेटी हमारे पास है, इसलिए डिमोन किंग का कहा मान एंड चेंज है, अब तू जीफेंग को मार और उसके गुस्से की वजह से यूंजी के अंदर का गॉड ऑफ वार जग जाएगा। बट जीफेंग को मारने के लिए लुई डिनाई कर देता है, वो डिमोन लुई पर अटैक कर देता है, बट जीफेंग और यूंजी एट ए टाइम आके लुई को बचा लेते हैं और उनको पता लगता है ये तो स्काई हाल का बंदा है। फिर वो डिमोन यूंजी को अपने साथ लेके जाने लगता है। टाइम पर्पल फॉक्स आती है और यूंजी को बचाकर उस डिमोन को मार देती है। पर्पल फॉक्स यूंजी को रूडली बोलती है, अच्छा तो तू है गॉड ऑफ वार, तू तो बिल्कुल भी सुंदर नहीं है। पर यूंजी और जीफेंग को समझ नहीं आता, ले अब इसको क्या हो गया। सबको समझ आ जाता है कि ये सब कुछ लुई की वजह से हुआ और सब उसकी क्लास लेने के लिए तैयार खड़े हुए थे। यूंजी बोलती है कि लुई ने अपनी मर्जी से ऐसा कुछ नहीं करा और उन्होंने हम सबकी जान भी तो बचाई है, भूल गए। फिर पूछता है गॉड ऑफ वार स्टार मोशा एक है मतलब, जिस पर टिंगनू बोलता है कि गॉड ऑफ वार की एक मेमोरी को हेवंस ने सील करके रखा हुआ है जो आज तक मैं ही नहीं देख पाया हूं। पर्पल फॉक्स यूंजी को यहाँ फिर रूडली बोलती है और रूयू बोलता है कि तेरी प्रॉब्लम क्या है यूंजी से, तो उसको ऐसे क्यों बोल रही है। मरमैन बोलता है मैं बताता हूँ, जब बूजी क्यों यानी स्टूपिड मंकी हेवन की लड़ाई में गया था तो वो गॉड ऑफ वार की सुंदरता को देख के फ्लैट हो गया था। ये है कि स्टूपिड मंकी पहली नजर में गॉड ऑफ वार के प्यार में पड़ गया था, जिसे सुनकर सब हंस पड़ते हैं और इसे सुनकर तो मेरी भी हंसी निकल गई। फिर पर्पल फॉक्स की बातों से लुई को भी समझ आ जाता है कि उसकी बेटी भी माउंट बुजाओ में है। मैं सभी को कैंडल सेकते हुए बोलते हैं कि ये रेयर चीजों से बनी है कैंडल, इसलिए मैं पांच ही बना पाया हूँ और इस कैंडल को जलाकर ही तुम माउंट बुजाओ के गेट के अंदर एंटर कर सकते हो। अपने ब्रेसलेट देकर बोलता है कि इस कैंडल के बुझने से पहले तुम्हें बाहर आना पड़ेगा, ब्रेसलेट तुम्हें बता देगा कि तुम्हारे कैंडल की लाइफ कितनी है। और वो लुई को अपने साथ नहीं लेके जाते क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी और लुई बोलता है कि मेरी बेटी वहाँ मेरे को लेके नहीं जा रहे, मतलब ये सीन थोड़ा फनी है। माउंटेन के लिए निकल जाते हैं और उस पहाड़ पे पहुंच जाते हैं, माउंट बुजाओ के गेट को रास्ता जाता है और वहां पर्पल फॉक्स बोलते हैं कि यहाँ पे मैजिक यूज मत करना नहीं तो माउंटेन गॉड गुस्सा हो सकते हैं, सभी को यहाँ से पैदल चलना पड़ेगा। और फ्लाइंग स्नेक जादू से खुद को इनविजिबल कर लाइब्रेरी में सिमिंग की बुक ढूंढने आए होते हैं, बट सिमिंग उसे देख लेता है। फिर वो सिमिंग से उसकी किताब जबरदस्ती ले लेता है और बोलते हैं ये इतनी स्टोरी है, बाकी गॉड ऑफ वार की स्टोरी कहाँ है, बताओ मेरे को। सिमिंग बोलता है कि ये स्टोरी अभी मैंने कंप्लीट नहीं करी है, ये सारी स्टोरी अभी मेरे दिमाग में है। और स्नेक सिमिंग को डराता है कि अगर तू मेरे को गॉड ऑफ वार की पूरी स्टोरी नहीं बताएगा तो मैं तेरी बुक जला दूंगा। सिमिंग डर के स्टोरी सुनाने के लिए एग्री कर देता है। यहाँ हाओचेन उसी जगह से गुजरते हैं जहाँ पर यूंजी और सीफेंग ने अपना क्ले स्टैचू लगाया होता है। हाओचेन भी लाइक मुझे टाइम पे एक्शन लेना चाहिए था, बोला हद है। सिमिंग लॉर्ड फ्लाइंग स्नेक को यूंजी यानी कि गॉड ऑफ वार की स्टोरी सुनाने लगता है। चेन और गॉड ऑफ वार एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे बट कुछ सिचुएशन की वजह से हाओचेन को किसी और से शादी करनी पड़ी, फिर भी उन्होंने कभी गॉड ऑफ वार पर गिव अप नहीं करा। और एक दिन गॉड ऑफ वार असुरों से लड़ने गई और जब वो वापस आई तो गॉड ऑफ वार पोजेस थी और उनको तोड़ने फोड़ने और बर्बाद करने की बातें कर रही थी। और गॉड ऑफ वार के इस बिहेवियर की वजह से किंग बेलिंग यानी कि बेलिंग की क्वीन ने गॉड ऑफ वार को सजा दिलवाना चाहा, बट किंग बेलिंग तो गॉड ऑफ वार को बचाना चाहते थे, इसलिए जेड एम्परर ने गॉड ऑफ वार को 10 बार मृत्यु लॉक पे जन्म लेने के लिए कहा और बोला कि अगर इसको अपनी गलती रियलाइज हो जाएगी तो ये हेवन में आ जाएगी। पिछले 9 जन्म गॉड ऑफ वार के बुरे गए, इसलिए 10वें जन्म में किंग बेलिंग गॉड ऑफ वार की हेल्प करने धरती पर गए हुए हैं।
और लॉर्ड फ्लाइंग स्नेक। इतनी सी स्टोरी, अबे पागल, मैंने गॉड ऑफ वार के बारे में इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करनी है और तूने मेरे को गॉड ऑफ वार की सारी लव स्टोरी सुना दी। हाँ, इतना कहकर लॉर्ड स्नेक डिसअपॉइंटेड होकर वहां से चले जाते हैं। और यहीं पर बैंग एपिसोड 26-27 लव एंड रिडेम्पशन की हिंदी एक्सप्लेनेशन खत्म होती है। बाय बाय। ओ हाँ, पता तो हो गई ना, स्माइलीज करनी है। बाय बाय।